हॉस्पिटैलिटी जो है वो बहुत वंडरफुल थी, चाहे वो स्टूडेंट्स की तरफ से हो चाहे वो फैकल्टी की तरफ से हो। बहुत अच्छी है, प्योर मक्खन का टेस्ट आ रहा है मुझे तो। और हाँ, भूमि में कभी सिंपोजियम कोई हुआ है? अगर हुआ है तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस? सिंपोजियम के बारे में हमें ब्रीफ करें और रिसर्च सोसाइटी में आपका क्या किरदार रहा है और कितने टाइम से रहा है ये भी हमें ब्रीफ करें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ रिसर्च के बारे में, टिप की शोबे में कितनी एडवांसेस आ चुकी हैं रिसेंटली। तो इसमें रिसर्च का एक बहुत कलीदी किरदार है। जितनी रिसर्च होती है उतना हम एक्सप्लोर कर पाते हैं चीज़ों को, हमें पता लगता है कि नई नई बीमारियाँ क्यों पैदा हो रही हैं और उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। सो रिसर्च इज नेसेसिटी ऑफ दिस मॉडर्न एरा। अच्छा, हाईक्यू से आपने अभी आइसक्रीम खाई है? और ये मेरा पांचवा स्कूप है और मैं आई एम जस्ट लविंग इट। और हाईक्यू की मेडिसिन सब खाएं, जिनको कुछ भी नहीं है वो भी खाएं, सुबह शाम खाएं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओके, तो आप क्या कहेंगी आइसक्रीम के बारे में रिव्यूज में देके? कैसी अच्छी है? बहुत अच्छी है, प्योर मक्खन का टेस्ट आ रहा है मुझे तो। और हाँ, ये मेरा अपनी जुबान का फ्लेवर है और बहुत अच्छी है। तुम आप सब लोग खाएं हाईक्यू मेडिसिन की, ना ये दवाइयाँ जरूर लें, ठीक है? इन्हीं का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा ब्रांड है इनका। अच्छा, ये आपको फ्री में मिल रही है आइसक्रीम? क्या आपको इसका फ्री में आइसक्रीम? तो बिल्कुल फ्री में मिल रही है हमें। कोई भी एनीवन एकदम एक्टिविटी हो उसमें आईक्यू नंबर वन पे होती है। और आज भी देख सकते हैं कि एक फार्मास्यूटिकल में आज वक्त जो आईक्यू है वो नंबर एक पे जा रही है। किसी दूसरी कंपनी का कोई स्टॉल आपने देखा नहीं होगा। मेरे साथ आज मौजूद हैं मिस सामिया जो कि आई हैं अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद। ओके, और आपके साथ मौजूद हैं मारुख उन्निसा अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद। ओके, एंड नेक्स्ट हाउस ऑफिसर है। और क्योंकि आज इन्होंने रिसर्च पेश की थी, सिंपोजियम चल रहा है हमारे एजीके मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो उसके बारे में पहले हम थोड़ा सा पूछेंगे। ओके, हमारी रिसर्च थी कंपैरिजन ऑफ ज़ेइन मायरोमेक्टोमी विद ज़ेइन सेक्शन अलोन। सो इसके रिजल्ट्स जो थे वो सिग्निफिकेंट थे। इट्सेल्फ इट्स अ वेरी रिस्की प्रोसीजर एंड इट फील वेरी ग्रेट। ओके, देन आपने डिफेंड भी बड़ा अच्छे से किया था, तो क्वेश्चन मुश्किल लगा हो रिसर्च में आपसे किसी ने पूछा? नो, नॉट एट ऑल। क्वेश्चन तो बहुत आसान पूछे थे, बेसिक जो पूछ रहे थे शायद बेसिक जो लर्निंग थी आई थिंक उनको इम्प्रूव करने की ज़्यादा ज़रूरत है। वो क्वेश्चन मोस्टली मेथडोलॉजी से थे और दे वाज वेरी इजी क्वेश्चंस फॉर मी। आप यहाँ पे कब आई थी और यहाँ पे अकोमोडेशन कैसी थी एजीके मेडिकल कॉलेज के बच्चों की तरफ से और फैकल्टी मेम्बर्स की तरफ से? वैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें बहुत यहाँ हॉस्पिटैलिटी जो है वो बहुत वंडरफुल थी, चाहे वो स्टूडेंट्स की तरफ से हो चाहे वो फैकल्टी की तरफ से हो। और एजे के एमसी के जो थे वो अरेंजमेंट्स बहुत ज़्यादा नाइस थे विथ रिस्पेक्ट टू फूड, विथ रिस्पेक्ट टू हमारा स्टे, और उन्होंने यहाँ से ट्रेवल किया और जो भी उन्होंने अरेंजमेंट्स हमारे लिए किए, सो इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई एम ऑल्सो फ्राम अयूब मेडिकल कॉलेज एंड आई एम अ हाउस ऑफिसर राइट नाउ। So my reviews about this research is it's always a pleasure and it's also a knowledgeable research program was this. We also conducted back in May in our college and many colleges from Pakistan joined us and it was very informative as well. और यहाँ पे भी हमारे यही reviews हैं कि इस तरह की conferences लाजमी होनी चाहिए क्योंकि research को promote करना चाहिए। हम जिस तरह बहुत डाइवर्स टॉपिक्स पे हमें रिसर्च और पेपर्स हमें मिले हैं और जो केस स्टडीज़ थी बहुत रेयर केस स्टडीज़ भी प्रेजेंट की गई हैं, तो उससे काफ़ी हमारा नॉलेज इम्प्रूव हुआ है और इनसाइट जो है हमें मिली है इसमें, तो फर्दर इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। जी हाँ, हम सिंध में कराची में बहुत कराची हैदराबाद हो गया और वहाँ पर हम बहुत बड़े बड़े जो है ना सिंपोजियम अरेंज करवाते हैं। ओके, थैंक यू जी। थर के अंदर बहुत बड़े बड़े सिंपोजियम ये अरेंज करवाते हैं, इनका ये कहना है। लेकिन थर के एरिए का तो मैंने यही सुना हुआ है कि वहाँ पे पानी भी नहीं है और वहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका ये दावा है कि वहाँ बड़े सिंपोजियम होते हैं और रिसर्च। ओह शाह जी, आइसक्रीम तो मैंने कल बस एक बार खाया था ना, बहुत मज़ेदार। ओके, तो नेक्स्ट आपका क्या प्लान है? रिसर्च कोई पेश करनी है आपने या नहीं? यस यस, वाई नॉट, रिसर्च में करूँगा और पेश भी करूँगा और इरादा है स्टार्ट करूँगा अभी। हमारे ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने ऑडियंस को ये मैसेज दूँगा कि आप सारे लोग रिसर्च सिंपोजियम जो चल रहे हैं अभी ना, इसको अटेंड करें, इसको एंजॉय करें और इसको अच्छी तरह से एंजॉय करें। रियाज साहब, आप तो डॉक्टर हैं लेकिन जो हमारी ऑडियंस है वो डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? और वो उसका मतलब उसको फ़ायदा क्या होगा सिंपोजियम में आने से? ओह शाह जी, आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछ लिया ना। देखो,
इनको बहुत ज़्यादा मालूम मिल जाएगा मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिहाज से, मतलब कि ये बीमारी क्यों होता है, कितने वक्त के लिए होता है या क्यों होता है इस इंसान में, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आम इंसान के लिए तो ये होता है ये रिसर्च। और ये इनके कहने का मतलब है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिजीज़ मिलती है जिसकी वजह से आप प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर क्योर ना भी कर सकें, क्योर के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन आप प्रिवेंट कर सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले के बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और उसके अलावा ये है कि यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से जो है तो वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स सब आते हैं, तो उनके साथ आप जब मुलाकात करेंगे तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो रियाज, आप कोई शेर आता हो तो सुना दें, या सिंगिंग करना चाहते हो, एनीथिंग यू लाइक। सही है शाह जी, आपने पहले शेर कहा या सिंगिंग, तो मैं प्रेफर करूँगा कि सॉन्ग गाना चाहते हैं, तो प्लीज। अच्छा, न तू जानी न मैं जानू वह राती वह बरसाती वह बिगी बिगी यादी, न तू जानी न मैं जानू वह बरसाती वो बीगी बीगी यार। क्या बात है रियाज, ने कमाल कर दिया। मेरी ऑडियंस लगता है कि इनको इंटरव्यू के लिए दोबारा बुलाना पड़ेगा, मुझे इतने लाइक्स दें, इतने शेयर करें इसको कि हमें इनका दोबारा से इंटरव्यू करना पड़े। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।